हदीस नंबर 171, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, और मैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में से पानी लेकर गुस्ल जनाबत कर लिया करते थे। हदीस नंबर 172, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकाफ की हालत में अपना सर मेरी तरफ बढ़ा दिया करते थे और मैं उसमें कंघी कर दिया करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकाफ के दिनों में ज़रूरत के बग़ैर घर तशरीफ नहीं लाते थे। हदीस नंबर 173, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में कि मैं हाइजा होती, मेरे साथ इख्तलात जिस्म के साथ जिस्म मिलाना फरमा लिया करते थे। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में होते तो अपना सर मुबारक मस्जिद से बाहर मेरे हुजरे की तरफ बढ़ा दिया करते थे, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को धो देती थी, हालांकि मैं हाइजा हुआ करती थी। हदीस नंबर 174, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि जिन दिनों में मुझे हैज आ रहा होता था, ऐसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद का तकिया लगाकर कुरान मजीद की तिलावत फरमा लिया करते थे। हदीस नंबर 175, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिनकी मजी बहुत ज़्यादा खारिज होती थी, लेकिन मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतालिक पूछने में शर्म आती थी। मैंने हज़रत मिक्दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतालिक पूछे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के मजी खारिज होने की सूरत में वजू करना ज़रूरी है।